किसी से परहेज नहीं है। नहीं, आपके बारे में चर्चा है कि आप जेडीयू से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप चिराग पासवान की पार्टी से भी लड़ सकते हैं, थोड़ा तो बताइए। अगर ऐसा चर्चा है तो अच्छी बात है कि सब लोग चाह रहे हैं कि हम उनके पार्टी से लड़ें, लेकिन हमको तो ऐसा कोई फीलर नहीं मिला है। लेकिन बहरहाल आप बोल रहे हैं तो चलिए, आप पत्रकार हैं, आप सब जगह जाते हैं, आपको पता होगा, आप पहले बताते खुशखबरी की सब पार्टी आपको देने तैयार। उन्होंने तो तारीफ भी आपकी की थी, आपसे मुलाकात की तस्वीर भी जारी की थी। ऐसे होती रहती है, किसी के जन्मदिन पे, किसी के जन्म क्या नाम है पुण्यतिथि पर, ये सब तो आना, बकरीद में, ईद में आना, ये सब तो होता ही रहता है, सबके साथ होता है। चिराग पासवान को कैसे देखते हैं आप, बिहार में क्या उनका रहेगा इस बार? अब क्या रहेगा नहीं रहेगा ये कहना मुश्किल है, अच्छे नेता है, हम लोग उनके साथ काम किए हैं, यंग है, हर चीज से संपन्न है, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। जरूर बता दी उनके साथ जा सकते हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और अभी आपके सामने हैं सांसद महबूब अली कैसर। आप इतने तेज तरार सांसद हैं, जनता की समस्याओं को सुनते रहते हैं, सुलझाते रहते हैं, अभी मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं, क्या समस्या थी? भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे हम लोग क्षेत्र का समस्या ही को लेकर के, और उसमें विभिन्न समस्याएँ थी। एक तो जल जमाव का था, जल जमाव तो पूरे अपने सहरसा, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, सभी हसनपुर सभी जगह का है। तो उसके अलावा स्टेशन रोड जो है हम लोग का, जिसको स्टेशन रोड कहते हैं, बकरी से लेकर के करीब 1.5 किलोमीटर का मेन मार्केट वाले रोड है, स्टेशन रोड के नाम से मशहूर है, वो 2-3-4 से सब लोग लगे हुए हैं। हम भी तो प्रयास करते करते अब जा कर के रेलवे की तरफ से NOC मिल गया है और PWD से उसको होना है, और ज़्यादा नहीं, हम समझते हैं 5-6-7 करोड़ के अंदर का होगा, तो उसकी उसको लेकर के गए थे, उसमें आश्वासन मिला है कि उसमें होगा। एक बाईपास रोड है खगड़िया में जो स्लूस गेट के चक्कर में वो भी छूटा हुआ है, PWD बोलता है कि वो स्लूस गेट वाला काम जो है वो इरीगेशन डिपार्टमेंट का, इरीगेशन बोलता है कि नहीं वो भी उसी चक्कर में छूटा हुआ है। तो ये दो रोड तो खगड़िया का बड़ा समस्या था। एक जमालपुर बाज़ार में भी बाईपास की ज़रूरत है, बना हुआ है लेकिन बहुत जर्जर हालत में, वो भी उसमें था। उसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज सब ज़िला में एक होना है खगड़िया में, जल्द से जल्द प्रायोरिटी में हो जाए, वो भी उसमें शामिल था। दो एक हसनपुर में जो आपके रोसरा अनुमंडल में पड़ता है, वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज हो जाए, अभी हम गए थे वहाँ पर तो बड़ा लोगों का डिमांड था, और एक अलौली में हो जाए, एक बेलदौर में हो जाए, 3 डिग्री कॉलेज का उसमें था। उसके अलावा और भी 3-4। कैसा रिस्पांस मिला मुख्यमंत्री से? नहीं, मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छा रिस्पांस दिए, और बुला करके उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दीपक जी, उनको बुला करके उन्होंने सब हवाले किया, बोला कि इसमें देख लीजिए, जो जो है उसमें देख करके करवाइए, और उसके बाद उनके पास भी हम बैठे और अच्छा रिस्पांस लगा। तो राजनेता मिलते हैं तो राजनीति की बातें भी होती होंगी, कुछ बात हुई है आपकी? अभी राजनीति की कोई बात नहीं हुई, हम गए थे अपने क्षेत्र का काम लेकर के, और काम की बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, हम लोग पुरुमीद है कि उसमें काफ़ी समस्या जो है हल हो जाएगा। अभी बिहार में हंगामा चल रहा है, देख रहे हैं ना, विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज हुआ, एक BJP कार्यकर्ता की मौत हो गई, सरकार कटघरे में है। नहीं, ये सब तो जब भी मारपीट होती है, चाहे विधानसभा में MLA को घुस कर करके जब असेंबली चुनाव हुआ था उसके कुछ ही रोज़ के बाद जो नव निर्वाचित MLAs थे, BJP उस टाइम में सरकार में थी तो, और उस टाइम में भी हुआ था, वो भी उसको भी कंडेम करना चाहिए, कल जो हुआ, कल परसों जो हुआ उसको भी कंडेम करना चाहिए। इस तरह से मारपीट होना जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी में जो भी प्रोटेस्ट करें उनकी बात सुननी चाहिए, सही गलत जो हो फैसला बाद में हो, लेकिन ऐसा डंडा किसी पर भी बरसाना, नेताओं पर बढ़ जाए। एक आदमी की मौत हो गई, बहुत दुख की बात है। चिराग पासवान NDA में शामिल हो गए हैं, औपचारिक तौर पर 18 तारीख को जो बैठक हो रही है, JP नड्डा ने उनको न्योता भेजा है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने TV में देखा है, भेजा है, वो शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी तो उनका कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन न्योता गया है उनको, हम लोग तो खुद ही NDA में है, और चलिए अच्छी बात है कि जितने लोग आए अच्छी बात है। चिराग पासवान अगर NDA में आते हैं तो कैसा रहेगा? जो भी शामिल होता है उसमें मजबूती बढ़ेगी, मजबूती आएगी। लेकिन वो इस जीत पर अड़े हुए हैं कि जितनी पुरानी सीटों पर लड़े थे चुनाव, वो सीटें चाहिए, और BJP मान भी गई। अब ये तो BJP के
लीडरशिप और उनके बीच की बात है, हमको तो हम उसके प्रीवी नहीं है, हमको तो नहीं जानते हैं क्या बात हुई नहीं हुई। पासवान के पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव आप ऑफर दें तो? अभी तो राजनीति की बात ही नहीं है, अगर ऑफर अभी तो हम लोग उनसे अभी अलग हैं, लेकिन अब देखा जाएगा क्या होता है, कौन किधर जाता है, कि अभी तो सब चीज परहेज नहीं ना चिराग पासवान से, ये पूछ रहा हूँ। हमको किसी से परहेज नहीं है और सबसे परहेज, अब ये सब तो प्रीमेच्योर बात, अभी क्या बताएं। किसी से परहेज नहीं है, नहीं आपके बारे में चर्चा है कि आप जेडीयू से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप चिराग पासवान की पार्टी से भी लड़ सकते हैं, थोड़ा तो बताइए। अगर ऐसा चर्चा है तो अच्छी बात है कि सब लोग चाह रहे हैं कि हम उनके पार्टी से लड़े, लेकिन हमको तो ऐसा कोई फीलर नहीं मिला है। लेकिन बहरहाल आप बोल रहे हैं तो चलिए, आप पत्रकार हैं, आप सब जगह जाते हैं, आपको पता होगा, तो आप पहले बताते खुशखबरी कि सब पार्टी आपको देने तैयार। उन्होंने तो तारीफ भी आपकी की थी, आपसे मुलाकात की तस्वीर भी जारी की थी। ऐसे होती रहती है, किसी के जन्मदिन पे, किसी के जन्म क्या नाम है पुण्यतिथि पर, ये सब तो आना, बकरीद में, ईद में आना, ये सब तो होता ही रहता है, सबके साथ होता है। चिराग पासवान को कैसे देखते हैं आप, बिहार में क्या उनका रहेगा इस बार? अब क्या रहेगा नहीं रहेगा ये कहना मुश्किल है, अच्छे नेता हैं, हम लोग उनके साथ काम किए हैं, यंग हैं, हर चीज़ से संपन्न हैं, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। एक बार और बता दी, उनके साथ जा सकते हैं कि नहीं? भाई ये सब हम ऑफर करेंगे तब ना बताएंगे कि हम रिफ्यूज़ करेंगे कि जाएंगे, अभी ऑफर ही नहीं हुआ तो हम क्या बताएंगे। तो आप सुन रहे थे महबूब अली कैसर को, चिराग पासवान बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तो ऑफर मिला नहीं, ऑफर मिलेगा तब जवाब देंगे, आपने सुना ही कहा। लेकिन चिराग पासवान को कोई एलर्जी नहीं है महबूब अली कैसर से, ये मिल भी चुके हैं और उन्होंने संकेत दिया था कि अगर आएंगे तो उनका स्वागत है।